मोदी सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के लिए नए नियम कानून लागू कर फेक न्यूज फैलाने वालों को बड़ा झटका दिया है। सरकार के इस नए नियम से धार्मिक से लेकर सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों को अब आड़े हाथों ले सकती है। द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और सोनी राजदान जैसे लोग बाहर बैठकर भारत विरोधी एजेंडे को हवा अब नहीं दे पाएंगे। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे देश के बाहर बैठे दिग्गजों को भारत विरोधी एजेंडा चलाने पर मोदी सरकार आड़े हाथों लेने वाली है। देश के बाहर बैठकर एक बड़ा वर्ग देश विरोधी बयान देता रहता है, जिसके चलते भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होती रहती है। ऐसे में भारत सरकार के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो इस तरह के लोगों को लेकर कुछ खास कदम उठाए। अब इस मुद्दे पर सरकार सक्रिय हो गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के लिए नए नियम कानून लागू कर दिए हैं, जो कि कई लोगों के आपत्तिजनक रवैये पर लगाम लगाएंगे, जिससे देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले भारतीय नागरिकों को झटका लगेगा। बता दें कि OCI कार्ड भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक तरह का वीजा है, जो भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन करने की सुविधा देता है। भारत सरकार द्वारा OCI कार्ड धारकों के लिए कुछ नए नियम कानून लाए गए हैं। इन नए नियमों से उन लोगों को झटका लगेगा जो धार्मिक से लेकर सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले साल का तबलीगी जमात का मामला भी है, जो कि भारत में कोरोना वायरस के विस्तार की सबसे बड़ी वजह बन गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड OCI धारक प्रवासी भारतीयों को अब एक स्पेशल स्वीकृति लेने की आवश्यकता होगी, जो भारत में किसी तरह की रिसर्च, मिशनरी, पत्रकारिता या तबलीगी कार्यक्रम में शामिल होने या फिर पत्रकारिता गतिविधियों में शामिल होने के लिए आते हैं। सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब यदि किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी रिसर्च, मिशनरी या तबलीगी कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, तो उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO से एक स्पेशल अनुमति लेनी होगी। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ ही जो OCI कार्ड धारक संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने के इच्छुक होंगे या फिर विदेशी राजनयिक मिशन के इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे, तो उन्हें भी पूर्ण अनुमति के लिए स्पेशल आवेदन दाखिल करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस नए नोटिफिकेशन के बाद भारत में OCI कार्ड धारक लोगों को भारतीय बच्चों को गोद लेने में सहजता होगी। इसके साथ ही अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं जैसे नीट, JEE मेंस, JEE एडवांस या फिर इस तरह की दूसरी परीक्षाओं में NRI सीट या फिर ऐसी अन्य सीट पर NRI के समान OCI लोग भी पात्र हो सकेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि नए नियमों में केवल प्रतिबंधन ही है। सरकार ने नए नियमों में घरेलू हवाई यात्रा से लेकर राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों और भारत में संग्रहालयों के लिए लगने वाले शुल्क के मुद्दे पर भी लोगों को बड़ी रियायतें दी है। सरकार ने बताया कि नए नियमों के लागू होने के बाद पुराने सभी नियम कानून निष्क्रिय हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अचानक इन नियमों को लागू करने की आवश्यकता केंद्र सरकार को पड़ी ही क्यों? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों का एक बड़ा धड़ा सामने आया है, जो कि प्रत्येक मुद्दे पर देश की नीतियों की आलोचना करता रहता है और सोशल मीडिया से लेकर समाज के प्रत्येक तबके में जहर घोलने की कोशिश करता रहता है, जो कि आपत्तिजनक था। इन देश विरोधी लोगों में बड़े पत्रकारों से लेकर तथाकथित बुद्धिजीवी और विश्लेषक शामिल है, जो कि सार्थक चर्चा के नाम पर केवल भारत का विरोध ही जनता के सामने रखते हैं। ऐसे में सरकार नए नियमों के अनुसार इनकी OCI की वैधता निरस्त कर सकती है। उदाहरण के लिए भारत में ऐसे कई लोग हैं जो OCI कार्ड धारक हैं और वो लगातार इस सुविधा का लाभ उठाते हुए भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते रहते हैं। अमेरिका की नागरिकता लेकर बैठे द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन देश में वामपंथ का आपत्तिजनक एजेंडा चलाते रहते हैं। उन्हें कई बार राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी लताड़ लगा चुके हैं। इस सूची में एक नया नाम सोनी राजदान का भी है, जो कि वामपंथ के प्रचार को लेकर काफी सक्रिय है। ऐसे लोग बौद्धिक आतंकवाद को तेजी से बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं, ये OCI कार्ड धारक लोग देश की जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने से लेकर फेक न्यूज फैलाने तक का काम करते रहते हैं। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए इस नए नियम से इन भारत विरोधियों को एक बड़ा झटका लगेगा।
सरकार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। हालांकि ये कदम काफी पहले ही उठाया जाना चाहिए था, लेकिन अब मोदी सरकार देर के साथ ही दुरुस्त नियमों के साथ सामने आई है।